डियर स्टूडेंट, ये स्पिरिट लैंप है, ये आयोडीन ग्रेन्यूल है जो बोतल में रखा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें आयोडीन ग्रेन्यूल को डालकर हम गर्म करेंगे, ये वायर गॉज है आप देख रहे हैं तार की जाली, और ये ट्राईपॉड है जिसके नीचे स्पिरिट लैंप को रखकर गर्म किया जाएगा। मैंने स्पिरिट लैंप को ट्राईपॉड के अंदर रख दिया है। अब माचिस से स्पिरिट लैंप को जला देता हूँ। स्पिरिट लैंप जिसमें स्पिरिट लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके जलने से सूट प्रोड्यूस नहीं होता, जिससे टेस्ट ट्यूब काला नहीं होता और टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन से होने वाले कलर को हम आसानी से देख सकते हैं। इस कारण स्पिरिट लैंप का यूज़ किया जाता है। स्पिरिट लैंप को माचिस से जला देते हैं। ये मैंने माचिस से स्पिरिट लैंप को जला दिया। स्पिरिट लैंप स्पिरिट के सहारे धीरे धीरे जलता है। हीट अगर ज़्यादा हो तो वायर गॉज से इनडायरेक्टली टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं, अगर हीट कम हो तो वायर गॉज हटा भी सकते हैं, क्योंकि एक्सेस हीट में टेस्ट ट्यूब क्रैक हो जाता है, उसे बचाने के लिए ही वायर गॉज का इस्तेमाल किया जाता है। अब आयोडीन ग्रेन्यूल को धीरे धीरे कुछ ग्रेन्यूल को टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। आयोडीन ग्रेन्यूल ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो, क्योंकि रिएक्शन में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए इसे थोड़े अमाउंट में लिया जाता है, जिससे रिएक्शन आसानी से हो सके और विजिबल भी हो, इसमें ज़्यादा समय न लगे। टेस्ट ट्यूब में आयोडीन ग्रेन्यूल को डालकर उसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से लगा देते हैं, जिससे गर्म करने में टेस्ट ट्यूब गर्म होने पर हाथ गर्म ना हो ना जले, इस कारण टेस्ट ट्यूब होल्डर का प्रयोग किया जाता है। मैंने टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब को लगाकर वायर गॉज से गर्म करना शुरू किया है, आप देख रहे हैं, लेकिन हीट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गर्म होने में समय लग रहा है, इस कारण वायर गॉज को मैं हटा देता हूँ। अब टेस्ट ट्यूब से डायरेक्ट हीट करने पर आप देख रहे हैं कि ब्राउन कलर का स्मोक फॉर्म कर रहा है। आयोडीन गर्म होने पर लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना स्मोक में बदल जाता है, जो सब्लिमेशन का एग्जांपल है। आयोडीन एक सब्लाइम सब्सटेंस है, इस कारण सारा ग्रेन्यूल धीरे धीरे स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। जब पूरी तरह कन्वर्ट हो गया तो मैंने उड़ेल दिया, देखिए ये फ्यूम के रूप में बाहर निकल गया और टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं बचा, आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब खाली है, लेकिन ब्राउन लेयर नज़र आता है।